because those headlines. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़, जहां मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं, जहां कुछ मायूसी की हैं, जहां कुछ खुशियां भरी खबरें हैं। उन्हीं दौरान में ज़िला झंग, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल के लिए एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि इन तीनों अजला के संगम पर एक पुल बनाया जा रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये कश्तियों का पुल था, लेकिन इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा ख्वाब यहाँ की आवाम ने देखे थे, इन तीनों अजला की आवाम ने देखे थे, क्योंकि इन तीनों अजला की आवाम एक दूसरे के साथ बहुत सारे रिश्तों में जुड़े हुए हैं। यहाँ की सकाफत मुश्तरक है, यहाँ आपस की रिश्तेदारियाँ हैं, लोगों का एक दूसरे के पास आना जाना बहुत ज़्यादा है, और इन तीनों अजला के लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करके एक दूसरे के पास जाया करते थे। लेकिन कश्तियों का ये पुल जो इस वक्त दरियाए चनाब, जेहलम और रावी के संगम पे बनाया जा रहा है, बल्कि तकरीबन वो मुकम्मल होने को है, इसकी वजह से ये फासले अब किलोमीटर्स और दर्जन या दो दर्जन तीन दर्जन किलोमीटर्स के तकरीबन फासले तक इस वक्त सिमट जाएंगे। इन अजला के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर भी है। इस वक्त सूरत हाल वहाँ क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हिजाज अली भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और खानेवाल से हमारे साथ ज़िले गवर्नर्स जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल कौंसल के मरकजी जनरल कौंसल के मेंबर शहबाज खान सियाल साहब हमारे साथ लाइन पर होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हिजाज अली भट्ट साहब की तरफ आऊँगा। हिजाज अली भट्ट साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो कश्तियों का पुल बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये तकरीबन मुकम्मल होने को है, बहुत अरसे से इसका सामान वहाँ आया लेकिन ये पुल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल इस वक्त? जी यहाँ पर मैं सो मौजूद हूँ। कश्तियों वाला पुल जो है समंदवाना यूनियन काउंसिल को आकर टच करेगा, ये ज़िले ही इंतज़ामिया खानेवाल की ये सारी जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ से करवाई गई है, लेकिन इससे फ़ायदा जो है अहमदपुर सियाल तहसील, ज़िला मुजफ्फरगढ़, ज़िला खानेवाल और ज़िला कोटद्दू के लोग भी जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ये पुल बिल्कुल अपनी तकमील के बिल्कुल आखिरी मराहल में है, ये तीन हिस्सों पर मुश्तमल था, दो हिस्से इसके बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं और मेरे पसे मंजर में ये सामान आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा है, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस पर भी काम हो रहा है। ये सिर्फ एक या दो दिन में ये पुल जो है मुकम्मल जो है वो तकमील हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, और इसके बाद जो आवाम जो है उसको कश्तियों के ज़रिए ये जो दरिया है पार करना पड़ता था और ज़िला खानेवाल में जाना पड़ता था या मुल्तान में जाना पड़ता था, लोगों की रिश्तेदारियां थी, लोग ये जो बड़ा मुसीबत का रास्ता था, बहुत तकलीफ़ से वो ये सफ़र तय करते थे और जाते थे, तो ये इंशाल्लाह यकम जनवरी तक जो है ये पुल जो है ये आवाम के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। शहबाज सियाल साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, मरकजी जनरल कौंसिल के मेंबर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हकूमत में ये पुल बनाया जा रहा है, इसके बारे में बहुत सारे ख्वाब देखे गए थे कि यहाँ पुल बनेगा, बल्कि कुछ ऐसी तजावीज़ भी सामने आई थी कि दो अजला चूँकि काफ़ी हद तक मुश्तरक हैं तो यहाँ एक मुस्तकिल पुल तामीर कर दिया जाए, तो कश्तियों का पुल कभी मुस्तकिल पुल के अंदर भी बदल सकता है? देखें जी, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिस अंदाज में गवर्नमेंट ने इस पे मतलब जो एक्सपेंडिचर और जो मनसूबा था उसको जारी रखा और जिस अंदाज में ये बन रहा है, आप खुद बता रहे थे कि हमारी सकाफत, तहजीब, हमारी जबान, हमारी जो है वो रहन सहन, कोई सारे इलाके का एक जैसा है, तो उस वजह से मैं समझता हूँ जी कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इससे मतलब हमारी मंडियों के फासले, हमारे किसानों के मसाइल और काफी सारी चीजें इसमें हल होंगी और उसमें मतलब जो हमारी कम्युनिटी है डिस्ट्रिक्ट की और हमारे जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसमें
मतलब आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कि आवाम को बहुत ही ज्यादा मतलब सहूलत होगी और ये बहुत अच्छा मतलब मनसूबा है। और जिस तरह इजाज़ अली भट्ट साहब बता रहे हैं, माशाल्लाह हमारे सीनियर दोस्त हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर ये मनसूबा जो है, क्योंकि ये मतलब कॉमन कॉज है, और इंशाल्लाह मतलब मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में ये वसी होगा। शहबाज सियाल साहब, ये दावा किया जाता रहा है, कहा जाता रहा है कि साबिक वफाकी वजीर बैरिस्टर रजा हयात हराई साहब की तरफ से ये मनसूबा शुरू किया गया, जब दूसरी तरफ उनके मामू रुकने कौमी असम्बली नजफ अब्बास सियाल भी रिप्रेजेंट कर रहे थे झंग के दूसरी तरफ से हल्के के, तो उस वक़्त इसको आगाज़ किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुस्तकिल पुल के हवाले से क्या किरदार अदा करेगी? यहाँ से रुकने कौमी असम्बली वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम साहब, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मज़ीद कितना आगे डिवेलप करेगी ताकि एक बड़ा पुल जो है मुस्तकिल पुल यहाँ बन जाए, लोगों के मसाइल कम हो जाए? देखिए जी, मतलब सबसे पहले तो थी जो ये कोशिश हुई है, मैं जिसने भी ये कोशिश की है, ये हमारे जिला के हवाले से मतलब तरक्की थी और एक अच्छा कदम था, और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने हमसे वादा किया था, और मतलब जिंदा पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम वो याद दिलाएंगे, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इमरान खान वो वादा जरूर पूरा करेंगे कि उन्होंने कहा था कि मैं कबीरवाला को डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा, और इसी तरह जब अगर कबीरवाला मतलब डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, मैं समझता हूँ कि इससे भी और ज्यादा तरक्याती जो हमारे मंसूबे हैं वो यहाँ आएंगे। शहबाज खान साहब, आपकी तरफ से कोशिश की गई, आप ज़िला खानेवाल की तरफ से भरपूर कोशिश इस हवाले से की गई, अगर आप ज़िले की तरफ उसे लेकर आते हैं, आप ज़िला कबीरवाला की तरफ, तो आपकी ये कोशिश होगी कि आपकी कुछ कोऑर्डिनेशन आपसे मुंसलिक जो जंग के रुकने सूबाई असम्बली हैं कौमी असम्बली है उनसे भी हो? देखें जी, ये पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है जी, ये इनिशिएटिव है मतलब जो जिन लोगों ने इस पे प्रॉपर काम किया, और इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसने मतलब उसकी फर्ज और जो काविश है वो सारी इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू हुई है, तो उसने मैं अर्ज करूंगा जी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ये जो पुल है ये पुख्ता तामीर होगा, और इसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हैं और जो इससे मुंसलिक हैं, जितने हमारे तफसीलें आती हैं साथ, उनके स्टेक होल्डर को लामहाला जी ऑन बोर्ड लेके ही कोई भी तरक्याती काम होता है, तो ऑन बोर्ड सारे स्टेक होल्डर को लिया जाता है। हिजाज़ अली भट्ट साहब, फासला कितना सुकड़ेगा, कितना कम होगा? कबीरवाला अहमदपुर से हल्के माबेन कितना पहले फासला था, जो अब कम होके कितना रहेगा? जी, शहराएं जो हैं वो किसी भी इलाके के लिए तरक्की का जामन होती हैं, शहराएं जो हैं मवासलात जो हैं वो किसी भी इलाके के लिए तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका ज़्यादातर जो है जो उनका ज़रिया माश है वो मवेशी पालना और ज़रायत है, तो यहाँ के लोग जो हैं पहले घंटों की मुसाफत तय करते थे और वो ज़िला खानेवाल में जाते, ज़िला खानेवाल में बड़ी मंडियाँ हैं, बड़ा DHQ हॉस्पिटल मौजूद है, यहाँ के लोग अगर वो इतना फासला सिमट जाएगा कि जो तहसील अहमदपुर सियाल के जो यूनियन काउंसिल में रहायशी रह रहे हैं वो अगर तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में अपना मरीज चेक ना करवाना चाहें ना करवाएं, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो खानेवाल है और तहसील हेडक्वार्टर जो कबीरवाला में, अगर वो उधर जाना चाहें तो वो इधर तहसील हेडक्वार्टर से पहले वो उधर पहुंच सकते हैं, फासला इतना ज़्यादा सिमट जाएगा, कम अज़ कम 1.5 घंटे का जो सफ़र है वो सिर्फ 20 मिनट का रह जाएगा ज़िला खानेवाल और तहसील कबीरवाला में पहुँचने के लिए। शहबाज सियाल साहब, आप क्या तवक्को कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से वादा किया गया था कि कबीरवाला को ज़िला का दर्जा दिया जा सकता है, क्या तवक्को कर रहे हैं कि कब तक ये वादा पूरा हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का? देखें जी, उस पर जो इनिशिएटिव था साउथ पंजाब प्रोविंस के हवाले से, तो उस पर आपने देखा कि हमने पेशरफ की और एडिशनल
चीफ सेक्रेटरी साहब और इसी तरह एडिशनल आईजी साहब जो है वो अब साउथ पंजाब में अपना कर रहे हैं। तो ये विंदा मैं समझता हूँ जी कि हमें ये सारा प्रोसेस करने के अंदर मतलब कोई साल डेढ़ साल दरकार होगा, क्योंकि मतलब ये जो सेनेट के इलेक्शन है ये होते हैं और आगे जिस अंदाज में गवर्नमेंट डिलीवर करने का सोच रही है उसके बाद हम अपनी इसी टनोर में इंशाल्लाह साउथ पंजाब को जो है वो सूबे का दर्जा दिलवाएंगे और इसी तरह कबीर वाला भी जिले का इंशाल्लाह जिला बनेगा। बहुत शुक्रिया शहबाज खान सियाल साहब, आप हमारे साथ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी जनरल काउंसिल के मेंबर, और दूसरी तरफ हमारे साथ झंग के मारूफ सहाफी तहसील प्रेस क्लब अहमदपुर सियाल से सदर हिजाज अली भट्ट साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू सुनी आपने हमारे मेहमानों की, उनका यही कहना था कि पुल कबीरवाला और अहमदपुर सियाल के साथ मुजफ्फरगढ़ के इलाकों के फासलों को इंतहाई ऐसा कर देगा, और वो लोग जो जाना चाहते हैं हज़रत सुल्तान बाहू की तरफ, जो नौरंग जहानिया की तरफ, जो मुख्तलिफ इलाकों में आना जाना चाहते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये तीनों अजला के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे रिश्तों में जुड़े हुए हैं, इनके रिश्तेदारियाँ हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा फासले थे। जिस तरीके से अहमदपुर सियाल का फासला कबीरवाला से तकरीबन 120 से 30 किलोमीटर था, जो अब सिर्फ 30 किलोमीटर तक महदूद रह जाएगा, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कबीरवाला को ज़िला बनाने का सोच रही है, बल्कि उसके लिए प्लान कर रही है। ये प्लान कब नाफिजुल अमल होगा, कब ये लागू होगा, इसके लिए हमें कुछ इंतज़ार अभी करना होगा। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी खबर है कि दरियाए चनाब पर पुल बना दिया गया है, और ये भी तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये पुल पुख्ता भी हो सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।